हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू कंपटीशन कम्युनिटी। मैं मिसेस अनु रॉय आप सभी का डिस्कशन कम्युनिटी के इस हिंदी के सेक्शन जिसमें हम पढ़ रहे हैं मेंस से संबंधित प्रश्नोत्तर के बारे में चर्चा करने वाली वीडियो के लिए स्वागत करती हूं। अब तक हमने आपको 6 तारीख को जो प्रश्न पत्र दिए थे उसके लिए 9 तारीख को हमारे द्वारा वीडियो जो है वो लॉन्च किया गया था, जिसमें आपको पूरी तरह से बारीकी से बताया गया था, जिसमें कुछ बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से जवाब को लिखा था, परंतु कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने अनावश्यक जो है जवाब वहाँ पर लिखे थे। वैसे ही लास्ट जो आपको 7 तारीख को जो क्वेश्चन दिया गया था, उस 7 तारीख के क्वेश्चन में भी कुछ बच्चों ने अनावश्यक लिखा है, लेकिन बहुत से बच्चों ने बहुत ही खूबसूरती से उत्तर को लिखा है, क्योंकि ये व्याकरण का ऐसा हिस्सा था जहाँ डिस्क्राइब करने की ज़रूरत ही नहीं थी। पहले प्रश्न पत्र में कुछ गलतियाँ इसलिए हुई थी क्योंकि आपको ये लगा कि अंत इस वर्ण को लिखिए कहा, तो आपने उसे एक्सप्लेन करके फिर उसके उदाहरणों को लिखा था, लेकिन प्रश्न को समझने की कोशिश करिए कि प्रश्न जितना पूछता है हमें उतना ही लिखना है। 7 तारीख को जो तत्सम तद्भव या विलोम शब्द पर्यायवाची ऐसे चीज़ों से जो पूछा था, जो कि आपको भी मालूम है कि एज इट इज़ हमको वहाँ पर वही चीज़ लिखना है जो वो हमसे पूछता है। मैं कुछ बच्चों का नाम बताऊँगी जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया था। राकेश मिश्रा हैं, आयुषी गुप्ता हैं, मधुलिका डिक्सेना हैं, अनामिका राकेश है, संजीत कश्यप, शुभम जैन, अंजू है, और इसी तरह हम कह सकते हैं एक आकांक्षा पांडे जी हैं, नीतू गुरु हैं, योगेश साहू जी हैं। ये सारे बच्चे जो हैं वो 6 तारीख के प्रश्न पत्र को भी इन्होंने हल किया था, इन्होंने 7 तारीख के प्रश्न पत्र को भी हल किया था, और 8 तारीख के प्रश्न पत्र में भी ये हमारे साथ बने हुए हैं। जब आपकी प्रैक्टिस है तब आप इतनी खूबसूरती से लिख रहे हैं कि वहाँ पर जवाब जो है बहुत अच्छे तरीके से आपके द्वारा लिखा जा रहा है, बशर्ते एक चीज़ ख्याल रखें कि यदि किसी टॉपिक पर आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा है तो कोशिश करें कि उस टॉपिक के लिए आप मोबाइल कोर्स पर जाएं, जहाँ पर चीज़ें आपको बहुत डीपली वे में एक्सप्लेन की गई हैं। वहाँ मोबाइल कोर्स में हर एक बारीकी को समझते हुए आप मेंस में व्याकरण खंड को अपना मजबूत बना सकते। चलिए, आज का टॉपिक क्या है? हमने 8 तारीख को जो आपको क्वेश्चन दिया था उसमें था वन वर्ड आंसर यानी कि वाक्यांशों का एक शब्द, दूसरा था हमारे लिए वाक्य शुद्धिकरण से कि शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए, तीसरा है मुहावरा लोकोक्ति और उपसर्ग प्रत्यय मतलब कि वन वर्ड आंसर, सेंटेंस क्लेरिफिकेशन, प्रोवर्ब्स और इडियम्स एंड सफिक्स और प्रीफिक्स। सबसे पहले हम चलते हैं वाक्यांश में, ठीक है? वाक्यांश में हम जाते हैं तो यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, निम्न वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। अब ये वाक्यांश क्या होते हैं? संपूर्ण कथन का एक ऐसा अंश होता है जिसे कहा जाता है वाक्यांश, मतलब कि जब समाज में व्यक्तियों के पास आर्थिक विषमताओं को दूर करने के लिए जब वो अपने समय का सदुपयोग करने लगे तो एक ऐसी विद्या का जन्म हुआ जहां ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का अनर्गल प्रयोग ना करके सटीक सार गर्भित एक ऐसे तत्व की स्थापना की गई जहाँ बहुत सारे शब्द का समूह मिलकर एक शब्द की ओर इशारा करते थे, इसलिए उसे समूह शब्दों का एक शब्द कहा गया। छोटे छोटे शब्द थे अनेक, उनके लिए एक शब्द में उत्तर दिया गया, इसलिए अनेक शब्दों का एक शब्द कहा गया। उसी तरह बहुत सारे शब्द मिलकर एक वाक्य बनाते थे जो किसी एक अंश मात्र से पहचाना जाता था, इसलिए वाक्यांश का एक शब्द कहलाया। लेकिन संपूर्ण शब्द के समूह के बदले हमारे द्वारा कोई एक शब्द स्थापित कर दिया गया, इसलिए स्थापन शब्द कहते हैं। कुल मिलाकर इंग्लिश में केवल एक ही नाम है, वन वर्ड आंसर जिसको कहते हैं, पर हिंदी में इसे स्थापन शब्द, वाक्यांशों का एक शब्द, समूह शब्दों का एक शब्द, अनेक शब्दों का एक शब्द कहा जाता है। इसकी कुछ शर्तें होती है। जिस तरह के प्रश्न पूछे जाएं यदि वो विशेष प्रभावी शब्द वाले हैं तो जवाब भी वैसा ही लिखा जाएगा। हम बोलचाल की भाषा के शब्दों का वहाँ पर प्रयोग थोड़ा सा कम करेंगे, जैसे कि यदि आपसे पूछा गया साल में एक बार होने वाला तब आप कहेंगे सालाना, यदि वो वही कहता है कि वर्ष में एक बार होने वाला तब आप कहेंगे वार्षिक।
दो पर्वतों के बीच की जमीन भूगोल की भाषा में तो घाटी हो सकती है, पर्वत के ऊपर की समतल जमीन भूगोल की भाषा में पठार हो सकता है, पर वन वर्ड आंसर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो पर्वत के बीच की जमीन को उपत्यका और ऊपर की समतल जमीन को अधित्यका कहते हैं। तो इससे संबंधित प्रश्न आपको पूछा गया है। पहला दिया है पुरानी पीढ़ी द्वारा नई पीढ़ी को मिलने वाली संपत्ति, जो बड़े बुजुर्गों के द्वारा आने वाली भावी पीढ़ी के लिए छोड़कर जाते हैं तो उसके लिए हम उसे तीन नाम से पुकारते हैं। या तो आप विरासत लिख सकते हैं, या रिक्त कह सकते हैं, या थाती कह सकते हैं। मतलब कि वाक्यांश में पहला उत्तर हम लेते हैं जिसे हम कहते हैं विरासत, जो हमें पुरानी पीढ़ी के द्वारा नई पीढ़ी को दी जाती है। इसे हम रिक्त भी कहते हैं, ठीक है, और इसे थाती भी कहा जाता है, ठीक है। तो तीनों में से कोई आप एक चीज़ लिख सकते हैं, लेकिन मोस्ट जो हम बात करें कि अधिकांश तौर पर इसे हम विरासत के नाम से ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि ये ऐसे शब्द हैं जो बहुत कम इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। सेकंड वन क्वेश्चन बताया ऑप्शन इसी प्रश्न पहला के वाक्यांश का। दूसरा ऑप्शन दिया है दो के बीच में पढ़कर फैसला कराने वाला। सदस्य पता है कि दो के बीच में एक अगर आता है तो वो होता है मध्य, तो दो के बीच में मतलब मध्यस्थ कह सकते हैं, तो उसे हम कह सकते हैं मध्यस्थ, उसे हम कह सकते हैं मध्यस्थ। मतलब दो के बीच में रहकर जो फैसला कराता है उसे मध्यस्थ कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन दिया है जो विजय की इच्छा रखता है। इच्छा रखना आकांक्षा कहलाता है, इच्छा रखना आकांक्षा कहलाता है, और जो विजय की इच्छा रखता है उसे हम विजयाकांक्षी कहेंगे। जो विजय की इच्छा रखता है उसे हम विजयाकांक्षी कहेंगे, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर 4 ने क्या पूछा है, सर्पों का स्वामी, क्योंकि सर्प के फन होते हैं, ठीक है, और उसका स्वामी है इसलिए फणींद्र कहा जाएगा। सर्पों का स्वामी जो है वो फणींद्र के नाम से पुकारा जाता है। और फिफ्थ ऑप्शन कहता है पंचभूतों से बनाई हुई वस्तु, पंचभूत से बनाई हुई वस्तु को पंच भौतिक कहा जाता है, ठीक है। और इस तरह वाक्यांशों क्या होते हैं कि बहुत सारे समूह बनाए थे, जैसे पंचभूतों से बनाई हुई वस्तु, इतना लंबा ना कहकर हमने उसे पंच भौतिक कह दिया। सर्पों का स्वामी है जो, क्योंकि ये वन वर्ड आंसर कहीं ना कहीं बहुव्रीहि समास की तरह होते हैं, या सामासिक पद रचना हमारे लिए वाक्यांश होते हैं, क्योंकि समास को विग्रह जब किया जाता है तो विग्रह में जो शब्द के प्रयोग हैं उसको संक्षिप्त रूप में लिख दिया, मतलब एक शब्द भी स्थापित कर दिया, तो कहीं ना कहीं समास की प्रक्रिया वाक्यांश के एक शब्द की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो पूछा गया है वाक्य शुद्धिकरण से। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको पूछा गया है वाक्य शुद्धिकरण से, जो वीडियो मैंने आपको पहले बताया था उसमें मैंने हमेशा एक चीज़ कही होगी, अगर आपने गौर किया होगा, कि उच्चारण की गलती से वर्तनी प्रभावित होती है और व्याकरण की गलती से वाक्य प्रभावित हो जाते हैं। वाक्य क्या होता है, वर्णाक्षरों का सार्थक समूह, वर्ण से मिलकर बनते हैं शब्द, ठीक है। ये थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी लघु इकाई होती है जिसे खंड में बांटा नहीं जा सकता। वर्ण में स्वर और व्यंजन है, साथ में उपसर्ग और अयोगवाह है, इनसे मिलकर बनता है शब्द। शब्द जो रचना के आधार पर रूढ़ यौगिक योगरूढ़ है, इतिहास के आधार पर तत्सम तद्भव देशज विदेशज और संकर हैं, अर्थ के आधार पर सार्थक और निरर्थक, और सार्थक में समानार्थी, विलोम, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, समुच्चारित है, ठीक है। इन्हीं शब्दों में प्रयोग के आधार पर निर्माण होता है पद का। पद मतलब कि विकारी पद और अविकारी पद, वो जिनमें विकार उत्पन्न होता है वचन और लिंग के अनुसार यानी विकारी, और जिसमें विकार उत्पन्न नहीं होता तो अविकारी। विकारी में आ जाते हैं संज्ञा जो नाम है, बदले में सर्वनाम, संख्या बताई वचन ने, विशेषता बताया विशेषण ने, क्या करते हैं वो क्रिया, कब करते हैं काल में,
करने वाले कौन है? स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। उनको बांधती कौन है? कारक रचनाएं। ठीक है, सजाता कौन है जिनमें परिवर्तन ही ना हो? तो क्रिया विशेषण चार प्रकार के, संबंध सूचक, संयोजक शब्द और एक विस्मयादि बोधक। इन्हीं शब्द पदों से मिलकर बनता है एक वाक्यांश। ठीक है, शब्द पदों से मिलकर बनता है वाक्यांश और वाक्यांश से संपूर्ण होकर वाक्य का निर्माण जो है वो होता है। ठीक है, तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी लघु इकाई है और वाक्य भाषा की संपूर्ण इकाई मानी जाती है। वर्ण के प्रयोग से हम शब्द बनाते हैं, शब्द पदों से बनता है पद, पद से बनते हैं वाक्यांश और वाक्यांश के एक संपूर्ण जिसमें व्याकरणिक शुद्धता होती है तो वाक्य का निर्माण होता है। वाक्य में उच्चारण करते समय हमारे पास यदि व्याकरणिक त्रुटियां हैं, जैसे वचन संबंधी त्रुटियां हो जाती हैं, लिंग संबंधी, कारक रचना संबंधी, शब्द के संयोजन संबंधी त्रुटियां हो जाती हैं, तो यहाँ पर वाक्य शुद्ध करने के कुछ तरीके होते हैं। इस वाक्य शुद्धिकरण का जो तरीका है वो आपको कंपटीशन कम्युनिटी के मोबाइल कोर्स को जब आप लेंगे, जिसमें हम हिंदी भाषा के अंतर्गत जो वीडियो बनाया है हमने, उसमें आप ये पाएंगे कि वाक्य शुद्धिकरण के वहाँ बहुत सारे नियम जो हैं वो बताए गए। मैं थोड़ा सा नियम यहाँ पर लेकर चलूँगी। जैसे संज्ञा शब्द से कारक रचना दूर लिखी जाती है, लेकिन यदि वह सर्वनामिक शब्द है, जैसे मैं कहता है, तो कारक रचना सटाकर लिखी जाती है। यह समझ में आई जो चीजें कि संज्ञा शब्द से कारक विभक्ति दूर और सर्वनामिक शब्द से कारक विभक्ति पास लगाकर लिखी जाती है। जब हम दो संयुक्त क्रिया की बात करें, जैसे कि उठ बैठा या हम कहते हैं चल दिया, तो दो संयुक्त क्रियाएं अलग अलग लिखी जाती है। लेकिन अगर हम ऑब्सोल्यूट वर्ब यानी कि संपूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, जैसे कि चख कर, ठीक है, जैसे कि जा कर, तो यह क्रियाएं यहाँ पर सटाकर लिखी जाती हैं। ठीक है, जब विशेषण की बात हो तो विशेषण का शब्द पहले आता है और विशेष्य का शब्द बाद में आता है। ठीक है, जैसे कि हम कह सकते हैं लाल गुलाब। ठीक है, तो विशेषण का शब्द पहले आया, विशेष से बाद में आया। लेकिन अगर हम कहते हैं तो प्रविशेषण, जो विशेषण की विशेषता बताता है, वह प्रविशेषण का शब्द पहले आता है, बहुत सुंदर बालक। ठीक है, इसी तरह जो क्रिया शब्द है, इस क्रिया शब्द से पहले नकारात्मक शब्द और हमारा एडवर्ब जो है वो क्रिया शब्द से पहले आता है। जैसे कि हम यदि कहते मत जाना, मत खाना, नहीं छूना, इसी तरह तेज दौड़ना, ध्यान पूर्वक पढ़ना का इस्तेमाल जो है किया जाता है। इसके अलावा एक क्रम होता है। ठीक है, जब करता है, जिस वचन पुरुष और लिंग में उसके अनुसार क्रिया होती है, जहां सिर्फ कर्ता और क्रिया पाई जाए अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है ना, जहाँ पर कर्ता और क्रिया के मध्य कर्म पाया जाता है तब वहाँ पर हमारे लिए सकर्मक क्रिया हो जाती है। ठीक है, चाहे सकर्मक क्रिया हो या अकर्मक क्रिया हो, यदि कर्ता के साथ में कारक चिन्ह नहीं है तो क्रिया कर्ता के अनुसार होगी। जैसे राम खाता है कहें, या तो हम कहें राम रोटी खाता है। ठीक है, लेकिन अगर इस कर्ता के साथ में जैसे कि कारक चिन्ह लग गई राम, है ना, राम ने, अब यहाँ जो क्रिया होगी वह किसके अनुसार हो जाएगी? कर्म के अनुसार, राम ने रोटी खाई हो जाएगा। आगे समझ में, इस चीज को ध्यान रखेंगे। ठीक है, इतनी सारी चीज़ों के बाद हम कह सकते हैं कि कर्ता और कर्म के बीच में जो कारक रचना आती है ये होती है करण, संप्रदान, अपादान, संबंध। ठीक है ना, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, ये चार कारक विभक्तियां कर्ता और क्रिया कर्म के मध्य आती, कर्ता और कर्म के मध्य आती हैं। जैसे कि एग्जांपल, मोहन के द्वारा कविता सुनाई गई,
बच्चों के लिए खिलौने खरीदे गए। वृक्ष से पत्ता गिरता है, मोहन का घर पास में है। और सबसे बड़ी दिक्कत होती है हमारे लिए वहाँ जहाँ पर एक वाक्य में बहुत सारे कर्ता होते हैं, अलग अलग प्रकार के वचन, अलग प्रकार के लिंग और अलग प्रकार के पुरुष, ठीक है। तो यहाँ पर जब एक ऐसा वाक्य जहाँ भिन्न प्रकार के कर्ता, भिन्न प्रकार के वचन और भिन्न प्रकार के लिंग में हो, तो अंतिम वाला कर्ता जिस वचन जिस लिंग में होगा पूरी क्रिया उसके अनुसार बदल जाएगी। जैसे कि हम कह सकते हैं एक घास के मैदान में एक बकरी, दो घोड़े और तीन गाय। अब यहाँ एक बकरी स्त्रीलिंग एक वचन है, दो घोड़े पुरलिंग बहुवचन है और तीन गाय स्त्रीलिंग बहुवचन है। इसलिए अंतिम कर्ता चूंकि स्त्रीलिंग बहुवचन है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग बहुवचन हो जाएगी कि एक घास के मैदान में एक गाय, एक बकरी, दो घोड़े और तीन गाय घास खा रही हैं, ठीक है। इसी तरह तीन गाय, दो घोड़े और एक बकरी घास खा रही है। एक बकरी, तीन गाय और दो घोड़े घास खा रही हैं। जब टू अपोजिट जेंडर सिंगुलर फॉर्म में आए, मतलब कि दो विपरीत लिंग के कर्ता यदि एक वचन में आते हैं तो क्रिया पुरलिंग बहुवचन हो जाती है। जैसे राजा और रानी शासन किया करते थे, ठीक है। माँ और पिताजी बाजार गए हैं। जब पर्सन्स की बात हो तो सबसे पहले वक्ता जो फर्स्ट पर्सन है वह रखता है सेकंड पर्सन को, देन आफ्टर थर्ड पर्सन को, और फिर लास्ट में अपने आप को रखकर पूरी क्रिया बहुवचन बदल जाती है कि तुम, मोहन और मैं तीनों बाजार जाएंगे। और इस तरह कभी कभी हम एक चीज़ ध्यान रखें कि जो सिंगुलर फॉर्म में पर्सन होते हैं लेकिन अगर हमारे लिए रेस्पेक्टेबल हैं तो हमेशा प्लूरल की तरह वो ट्रीट किए जाते हैं, कि एक वचन में होकर भी आदरणीय जो होंगे वो हमारे लिए बहुवचन के तौर पर प्रस्तुत किए जाएंगे। और वाक्य शुद्धि में इन सारी चीज़ों को बारीकी से ख्याल रखना ज़रूरी है। जैसे मेरे लिए ठंडी बर्फ लाओ, तो वाक्य शुद्धिकरण का मतलब है कि वाक्य का जो अर्थ है वो बदलना नहीं चाहिए। वाक्य की जो एक क्रम है उसमें अगर कोई त्रुटि है तो वो सुधारा जाए, विराम चिन्ह संबंधी कोई त्रुटि है तो वो सुधारा जाए, और इसी तरह यदि वहाँ पर वचन लिंग कारक रचना संबंधी त्रुटि है तो कल त्रुटियों को, खामियों को, गलतियों को निकाला जाएगा, किसी तरह से वाक्य के अर्थ में परिवर्तन हो ऐसा नहीं किया जाएगा। तो वाक्य शुद्धि से यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया है, निम्न अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। ये जो वाक्यांश और आपका वाक्य शुद्धि है ये प्री में भी आता है और व्यापम में भी आता है, और जैसा यहाँ आपको लिखने दिया जा रहा है। परंतु यदि प्री और व्यापम की बात करें तो निम्न में से शुद्ध वाक्यों का चयन कीजिए कहेगा, या कहेगा निम्न में से सबसे शुद्ध वाक्य कौन सा है, या कहेगा इनमें से शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। और इस वाक्यांशों के एक शब्द के लिए बारे में क्या कहेगा कि निम्न वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए, लेकिन मेंस में वो चीज़ें लिखने के लिए दे दी जाती हैं। यहाँ दिया है सबसे पहला ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर टू, तो हम आंसर नंबर टू को डील करेंगे जो लिया है हमने वाक्य शुद्धि से, क्योंकि ये कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ आते हैं वाक्य शुद्धि में। पहला दिया है आपकी टोपी, कोट और कुर्ता पड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पर तीन वस्तु हैं, टोपी है, कुर्ता है और आपका कोट है, ठीक है। तो चूंकि ये वस्तुएं एक नहीं तीन हैं, इसलिए यहाँ वचन संबंधी दोष होने की वजह से हम इसका जवाब क्या लिखेंगे कि आपकी टोपी, कोट और कुर्ता पड़े हैं, ठीक है। ऑप्शन होगा आपकी टोपी, कोट और कुर्ता पड़े हैं, ठीक है। सेकंड दिया हुआ है कल रात रंग संगीत का खूब रंग चढ़ा, ठीक है। दूसरा है कल रात संगीत का खूब रंग चढ़ा। संगीत का जो माहौल है वो चढ़ता नहीं है, माहौल जमता है। संगीत का माहौल जमता है, रांगे रातें सरंगीन होती हैं। जब हम मौका या किसी ऐसी समय के समय जी गीत गाते हैं, गजल होते हैं, मौसीकी होती है आपका, ठीक है ना, इस सुमन संगीत होता है तो एक रंग जमता है, रंग चढ़ता नहीं है, ठीक है। तो इसमें कल रात संगीत का खूब रंग चढ़ा कह रहा है, तो इसका होगा कल रात संगीत का खूब रंग जमा,
ठीक है। अब थर्ड दिया, युवकों में निराशावाद छाया हुआ है, ठीक है ना। अब निराशावाद कहने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, और निराशा जो होती है वो स्त्री सूचक शब्द है, इसलिए इसका आंसर होगा युवकों में निराशा छाई हुई है, युवकों में निराशा छाई हुई है, ठीक है। अब इसी आंसर नंबर टू में से ऑप्शन नंबर फोर है, रेल में भारी भरकम भीड़ थी। भारी भरकम वस्तु होती है, भीड़ नहीं होती है। भारी भरकम होती है वस्तु, भीड़ को भारी भरकम नहीं कहा जाता, सिर्फ हम कह सकते हैं रेलगाड़ी में बहुत भीड़ थी। रेलगाड़ी में बहुत भी लगाने की जरूरत नहीं है, अगर हम कहें तो रेलगाड़ी में भीड़ थी भी कह सकते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ बहुत ज़्यादा का प्रयोग करते हैं जो प्रविशेषण के तौर पर है क्रिया विशेषण को, तो रेलगाड़ी में बहुत भीड़ थी कह देने से वाक्य जो है वो शुद्ध होता है। फिफ्थ वन ऑप्शन में आते हैं, फिफ्थ वन क्या कहते हैं, उसका तो चटपट प्राण उड़ गया। प्राण, दर्शन, आंसू, हस्ताक्षर, यदि हम बात करें आदरणीय, तो ये हमारे लिए एक वचन में नहीं बल्कि हमेशा से बहुवचन वाले शब्द है। लेकिन यदि हम बात करें क्षमा, छाया, क्रोध, याचना, भीख, वीरता, बहादुरी, तो सब हमारे लिए एक वचन वाले शब्द होते हैं, इसलिए उसका तो प्राण चटपट उड़ गया ना कहकर हम कहेंगे उसके तो प्राण चटपट उड़ गए, ठीक है। तो यहाँ पर जो गलतियाँ थी उस गलतियों को सुधारा गया है, क्योंकि तीन वस्तु है इसलिए क्रिया बहुवचन के अनुसार हो गई। यहाँ संगीत का रंग जमता है, संगीत का माहौल जमता है, इसलिए रंग चढ़ाना होकर रंग जमा हो गया। निराशावाद जैसा शब्द का प्रयोग करके निराशा छाई हुई है कह देने से वाक्य शुद्ध हो गया। बहुत भीड़ थी क्योंकि भीड़ भारी भरकम नहीं होती है, और प्राण चूंकि बहुवचन शब्द है तो उसका न कहकर किसी व्यक्ति के सम्मान की बात है, इसलिए उसके प्राण चटपट उड़ गए कह देने से वाक्य शुद्ध हुआ। अब आते हैं मुहावरा और लोकोक्ति, जिसे हम इडियम्स और प्रोवर्ब्स कहते हैं। मुहावरा और लोकोक्ति क्या होता है, मैं पहले आपको ये एक्सप्लेन कर दूं। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि आर्थिक विषमताओं को दूर करने के लिए समय का सदुपयोग करने के लिए अनावश्यक अनर्गल ऐसे वक्तव्यों को छोड़कर एक ऐसी विद्या का जन्म हुआ जो स्थापन शब्द बना, वैसे ही जब 19वीं शताब्दी से पहले की बात की जाए तो साहित्यिक रचनाओं में केवल पद्यमय रचनाओं का ही अंजाम दिया जाता था। ये पद्यमय रचनाएँ जो हुआ करती थी, खंड काव्य, महाकाव्य, गीत, प्रकीत, आख्यानक गीत हुआ करते थे। उस समय 1857 की क्रांति के बाद भारतवर्ष में सबसे बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिला। इसका परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव साहित्य के भी क्षेत्र में पड़ने लगा। चूंकि मध्यकाल में लोक भाषाओं का जन्म हुआ था जो अपभ्रंश से मानी जाती है, जिसका कि कहीं से इतिहास पूर्णत रूप से साक्ष्य मौजूद मानता नहीं है, लेकिन इस समय टाइपराइटर मशीन, पब्लिकेशन हाउस और कवियों का मस्तिष्क मुखरित होने लगा था। नॉट ओनली फ्रीडम फाइटर्स, अब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देशभक्ति या देश प्रेम से संबंधित के लिए जिम्मेदारी दी गई थी साहित्यकारों को। वो कवि जो केवल नायिका प्रधान, भक्ति प्रधान या राजाश्रय की वीरताओं का वर्णन किया करते थे, अब उनके ऊपर देशव्यापी रचनाओं को लिखने की जिम्मेदारी दे दी गई थी। धीरे धीरे विकास क्रम बढ़ने लगा, और विकास क्रम के बढ़ने से यहाँ गद्य साहित्य का जन्म हुआ जो अंग्रेजी साहित्य से प्रभावित माना जाता है। अंग्रेजी साहित्य में जो प्रभाव थे नावल, स्टोरी, ऑटोबायोग्राफी, इंटरव्यू, ठीक है, मतलब उसका ही प्रभाव भारत में गद्य परंपरा में पड़ा। काव्य जो लेखन थे उसके साथ साथ अब गद्य लेखन का जन्म हुआ। नाटक, कहानी, एकांकी, उपन्यास, रेखाचित्र, जीवनी, संस्मरण, पत्रवार्ता, डायरी संकलन, भेंट वार्ता, ऐसे सारी गद्य की विधाओं का जन्म 19वीं शताब्दी में विशेष तौर पर 1857 की क्रांति के बाद हुआ। इस समय एक ऐसी बोली का उद्भव माना जाता है साहित्य के क्षेत्र में जिसका जन्म भारतेंदु युग से शुरू हुआ,
जिसका स्वर्णिम युग छायावादी को माना गया और धीरे धीरे इसका विकास जो है वो आगे की ओर बढ़ने लगा। चूंकि इसका सुधार द्विवेदी युग में हुआ इसलिए उसे सुधार काल कहा गया और वो बोली थी खड़ी बोली। खड़ी बोली जो कहीं ना कहीं कौरवी कहलाती है, जो बांगरू कहलाती है, जाटू कहलाती है, हरियाणवी और जाट का इस पर एक मिश्रण देखने को मिलता है। तो एक ऐसी बोली जो व्याकरण सम्मत शुद्ध होने लगी थी, दिल्ली मेरठ सहारनपुर की ओर बोली जाती थी, उसी खड़ी बोली का प्रयोग करके गद्य साहित्य को लिखा गया। और उसी समय जब आंचलिक सामाजिक लेख लिखे जाने लगे तो अंचल में और समाज में व्याप्त कुछ ऐसे तत्व थे जिन्होंने साहित्य में स्थान प्राप्त करना शुरू किया और उसी में थे हमारे लिए मुहावरा और लोकोक्ति। मध्यकाल में लोक भाषाओं में प्रयोग की जाने वाली मुहावरे और लोकोक्तियों का 19वीं शताब्दी में गद्य परंपराओं में स्थान जो है मिलने लगा। अब जो कवि केवल पद्यात्मक रचना करते थे अब वो गद्य संबंधित रचनाओं को भी लिखने लगे। किसी ने कहानी को, किसी ने उपन्यास को अपना एक मुद्दा बनाया और उसी से बंध की रचना में उन्होंने रचना लिखी। जैसे कि उपन्यासकार प्रेमचंद कहलाए जो कहीं ना कहीं सामाजिक उपन्यास अधिकांश लिखा करते थे और फणीश्वरनाथ रेणु आंचलिक उपन्यासकार कहलाए। वैसे ही हमारे लिए कहानीकार भी थे, निबंधकार भी थे। अब यहाँ जब कहानियों को लिखा गया, जब उन्होंने उपन्यासों को लिखा गया तो उनके द्वारा वाक्यांशों के एक शब्द के साथ साथ मुहावरा लोकोक्ति संधि समास भी काव्य के साथ गद्य लेखन में इस्तेमाल जो है किए जाने लगे। तो मुहावरा और लोकोक्ति क्या होते हैं? मुंह से व्यक्त किया जाने वाला वाक्य का एक अंश मुहावरा कहलाता है जो किसी लाक्षणिक अर्थ को प्रस्तुत करता है। मुहावरा बगैर वाक्य के अधूरा होता है क्योंकि यह अवधि अपने अर्थ को सुनिश्चित करना चाहता है तो इसे वाक्य के भीतर प्रयोग किया जाना अति अनिवार्य है। क्योंकि यदि इसे वाक्य से हटा दिया जाए तो इसका एक जो विशेष अर्थ प्रस्तुत होने वाला है वह अर्थ यहाँ से प्रस्तुत नहीं होता। ठीक है, तो मुहावरा वाक्यांश है, किसी लाक्षणिक अर्थ को प्रस्तुत करने के लिए वाक्य के भीतर इसका प्रयोग किया जाना अनिवार्य है। वाक्य से हटा दिए जाने पर यह अपने अर्थ को सुनिश्चित नहीं कर पाता। मुहावरे को पहचानेंगे कैसे? कि मुहावरा चाहे दो शब्द का हो, चाहे तीन शब्द का हो, चार शब्द का हो, परंतु ये इसमें एक अधूरापन महसूस होता है जब तक इसे वाक्य के साथ जोड़ा ना जाए, यह अपने वाक्य के अधूरेपन को पूरा नहीं कर पाता। अगली बात कि मैक्सिमम मुहावरे जो होते हैं वो बॉडी पार्ट्स पर डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल पेट में दांत होना, दांत काटी रोटी होना, आंखों में धूल झोंकना, ठीक है, इसी तरह आंखें दिखाना, उंगली में नचाना, कान में जूना रेंगना, है ना, ये तो सारे मुहावरे जो होते हैं वो हमारे लिए शरीर के अंगों पर आधारित होते हैं और मोस्ट ऑफ मुहावरे का जो लास्ट साउंडिंग लेटर होता है वो ना होता है। लेकिन यदि हम लोकोक्ति कहें तो लोक मतलब की उक्त बात, ठीक है ना, लोक उक्त बात मतलब लोक मतलब किसी विस्तृत समुदाय के दायरे में रहने वाले जन साधारण मनुष्यों के द्वारा उक्त मतलब कही गई बात को लोक उक्ति मतलब लोगों के द्वारा कही गई वक्तव्य को लोकोक्ति कहा जाता है। इसे हम कहावत भी कहते हैं। तो लोकोक्ति क्या होता है कि किसी समाज में रहने वाले बड़े बुजुर्गों के द्वारा अपने अनुभव को एक संपूर्ण कथन के माध्यम से लोगों के सामने प्रस्तुत करना और यह परंपरा जो समाज में पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती चली आई है, प्रथा और परंपराओं से विशेष अर्थ के प्रयोजन के लिए इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। लोगों द्वारा उक्त ऐसी बातें जो एक संपूर्ण कथन के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है लोकोक्ति या कहावत कहलाती है। यह एक संपूर्ण कथन होता है, इसके लिए किसी विशेष तौर पर वाक्य की आवश्यकता नहीं होती जिसके अंदर इसे फिट किया जाना जरूरी हो, क्योंकि यह बहुत छोटे भी हो सकते हैं, बहुत लंबे भी हो सकते हैं। छोटे हो या लंबे कहावतें हो, लेकिन यह एक विशेष अर्थ देने वाले होते हैं। किसी को समझाने के लिए, किसी को चेतावनी देने के लिए, किसी का मजाक बनाने के लिए इस कहावत का इस्तेमाल किया जाता है। किसी मनुष्य के अनुभव पर, चरम सत्य और यथार्थ पर ये लोकोक्ति जो है वो आधारित होती है।
जैसे कि अंधों में काना राजा, अधजल गगरी छलकत जाए, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, एक सड़ी मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। ठीक है, और इस तरह ये जो मुहावरा लोकोक्ति है इसमें अंतर क्या है कि मुहावरा वाक्यांश है, लोकोक्ति संपूर्ण कथन है। मुहावरे को वाक्य के भीतर प्रयोग किया जाना अनिवार्य है, लोकोक्ति के लिए अनिवार्यता नहीं है। मुहावरा अधूरा है बगैर वाक्य के, जबकि लोकोक्ति संपूर्ण कथन है। मुहावरा शरीर के अंगों पर आधारित होता है, जबकि लोकोक्ति मनुष्य के अनुभव और यथार्थ पर आधारित होता है। तो आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 3 इसी मुहावरा और लोकोक्ति से लिया गया है, जहां पहला ऑप्शन दिया है आपको अंक भरना। पहला ऑप्शन दिया है अंक भरना। ठीक है, अंक भरना जिसका कि एक हम बात करें तो ये अंक भरना हमारे लिए मुहावरा है, क्योंकि ये बहुत छोटा है और बगैर वाक्य का यह अधूरा है। तो मुहावरा विशेष इसका लाक्षणिक अर्थ है, और इसका अर्थ है स्नेह से लिपटना। ठीक है ना, किसी को गले लगाना, किसी को बाहों में भरना। तो अंक भरना मतलब स्नेह से लिपटना। अब यदि हम इसके वाक्य प्रयोग की बात करें तो यहाँ दिया है कि मुहावरे का और लोकोक्ति का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं एक चीज़ में बता दूं कि प्री में 4 ऑप्शन में से 3 मुहावरा 1 लोकोक्ति हो सकती है, 3 लोकोक्ति 1 मुहावरा हो सकता है, जहाँ से आपको जो है वो पहचानने के लिए कहा जाएगा कि निम्न में से कौन सा मुहावरा है या नहीं है, निम्न में से कौन सी लोकोक्ति है या नहीं है। कभी कभी इसका दूसरा पक्ष भी दिया जाता है कि एग्जाम्पल के तौर पर कह सकता है लोहा लेना मुहावरे का निश्चित अर्थ निम्न में से कौन सा है। ठीक है, या कभी कभी सामना करना इस अर्थ को प्रस्तुत करने वाले निम्न में से कौन सा मुहावरा सही है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन मेंस में आपको हमेशा निम्न मुहावरे और लोकोक्तियों का वाक्य में प्रयोग कीजिए कहता है। अब एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि अगर आपने सिर्फ अर्थ लिख दिया तो आधे नंबर काट दिए जाएंगे, यदि आपने सिर्फ मुहावरे का वाक्य प्रयोग किया अर्थ नहीं लिखा तो भी नंबर काट दिए जाएंगे। मुहावरे का अर्थ लिखा जाएगा जरूर, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है अंक भरना इसमें से निपटना, लेकिन जब वाक्य प्रयोग किया जाएगा ना तो अर्थ को लिखे जाने के बावजूद प्रयोग किया जाएगा दिए गए मुहावरों का, जैसे कि अब हम करने वाले हैं। अंक भरना का उत्तर होता है अर्थ स्नेह से लिपटना। बेटी को देखते ही माँ ने उसे अंक भर लिया, या हम कह सकते हैं बेटी को देखते ही माँ ने उसे अंक में भर लिया, तब इसका अर्थ है कि बेटी ने माँ को इसने क्या लगाया, गले से लगाया। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दिया है आपका तूती बोलना। दूसरा ऑप्शन है तूती बोलना। एक समाज में लोगों के द्वारा बोलबाला जिसका होता है तो एक प्रभाव जो व्यक्ति ने जमाया है ना, तो प्रभाव जमाना, ठीक है ना, अपना वर्चस्व बनाया है, अपना प्रभाव जमाया है, तो हम किसी व्यक्ति को कहते हैं आजकल तो भैया समाज में आपकी ही तूती बोल रही है, मतलब आपने ही समाज में अपना ऐसा प्रभाव जमाया है कि हर जगह आप ही के चर्चे हो रहे हैं। लेकिन जब प्रयोग करेंगे तो प्रभाव जमाना नहीं बल्कि तूती बोलना का प्रयोग किया जाएगा। तीसरा ऑप्शन क्या दिया है, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है कलेजा ठंडा होना। कलेजा ठंडा होना, ठीक है। अब कलेजा ठंडा होना कहता है तो ये दो हमारे लिए मुहावरे थे, यहां से आपका लोकोक्ति शुरू हुआ है। तो कलेजा ठंडा होना मतलब कि संतोष होना, ठीक है ना, कलेजा ठंडा होना तो संतोष होना मतलब कि संतुष्ट हो जाना। ठीक है, अब अगर हम इसका वाक्य प्रयोग करेंगे तो क्या कहेंगे कि परीक्षा में बहुत ज़्यादा मेहनत करी, रिजल्ट बहुत अच्छा आया, तब मेरा जाकर कलेजा ठंडा हुआ। ठीक है, यानी कि अब लास्ट वन आपका ऑप्शन दिया है जिसमें दिया हुआ है अधजल गगरी छलकत जाए। अधजल गगरी छलकत जाए, ठीक है ना, अधजल गगरी छलकत जाए, तो इसका मतलब होता है डींग हाकना।
ठीक है ना, मतलब बढ़ा चढ़ा कर या जबरदस्ती का कोई ऐसा वक्तव्य कहना कि जिस तरह यदि हम कहते हैं कि जो व्यक्ति सर्वगुण संपन्न होता है वह अपनी खूबी का बखान नहीं करता, लेकिन अल्पज्ञ बुद्धि वाला व्यक्ति अपनी बातों को बढ़ा चढ़ा कर या ज़्यादा ज़्यादा सजावटी तौर पर कहता है तो अधजल गगरी छलकत जाए, मतलब कि डींग हाँकना। तो अगर हम इसका वाक्य प्रयोग करेंगे तो कुछ भी वाक्य प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन ये ध्यान रखें कि इसका जवाब है जो पूरी तरह से इस लोकोक्ति को सटीक बनाए वैसा करना। जैसे कि मोहन जब देखो तब अपनी बातों को कहता है, अल्प बुद्धि का है परंतु वह अधजल गगरी छलकत जाए जैसे कवि चरिता बातों को चरितार्थ करता है। और इस तरह यहाँ पर हो गया वाक्यांश, वाक्य शुद्धि, मुहावरा और लोकोक्ति। अब लास्ट वन टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन आपको दिया गया है वो है आपका उपसर्ग और प्रत्यय, जिसे हम सफिक्स और प्रीफिक्स कहते हैं। तो उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं, पहले मैं ये आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि उपसर्ग कहें तो हम बता दें कि उप का मतलब होता है करीब का, ठीक है, पास का, समीप का, या हम कह सकते हैं नज़दीक का, ठीक है ना, उप का मतलब। और सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना, ठीक है, या निर्माण करना, या हम कह सकते हैं रचना करना, ठीक है। तो उपसर्ग क्या हुआ, किसी भी धातु शब्द से पहले जुड़कर उस शब्द में एक नयापन, एक विकार, एक रूपांतर, एक परिवर्तन उत्पन्न करने वाले शब्दांश को उपसर्ग कहा जाता है, जिसे हम प्रीफिक्स करते हैं। प्री मतलब पहले, फिक्स मतलब रखते हैं, ठीक है। तो उपसर्ग से क्वेश्चन प्री में कैसा आता है, उपसर्ग से क्वेश्चन और प्रत्यय से क्वेश्चन आते हैं कि जैसे एग्जांपल प्रतिदिन में कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया गया है, ठीक है। प्रति उपसर्ग से बना हुआ शब्द निम्न में से कौन सा है या कौन सा नहीं है, ठीक है। कभी कभी ये ऑपोजिट वर्ड्स में भी काम आता है, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि कुछ नेगेटिव प्रीफिक्स होते हैं जिससे हम नेगेटिव वर्ड्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए जब वहाँ पर नकारात्मक उपसर्ग जैसे गमन का विलोम बनाने के लिए कौन से उपसर्ग की आवश्यकता होगी, ऐसे क्वेश्चन आपको प्री में आते हैं। लेकिन मेंस में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन एक चीज़ ख्याल रखेंगे कि बचपन में चीज़ें हमारे दिमाग में बिठाने के लिए जो नियम हुआ करते थे उसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन हम इस नियम का प्रयोग मेंस के एग्ज़ाम में नहीं कर सकते। मान लीजिए आपको एक एग्जाम्पल दिया है कि प्रति उपसर्ग से दो शब्द बनाइए, तो आप यहाँ लिख देंगे प्रति और आप डैश करके लिख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर प्रतिदिन और इसी प्रकार प्रति क्षण। किसी तरह से उसे और अंडरलाइन या हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने यहां लिख दिया और आपके द्वारा यहां शब्द बना दिए गए हैं, तो कतई यहां आवश्यक नहीं है कि उसे अंडरलाइन किया जाए, और ना ही इस फॉर्मेट को लिखेंगे कि प्रति धन, जैसे कि आपका दिन लिख दिया बराबर प्रतिदिन बना, इतना कुछ भी मेंशन करने की मेंस में जरूरत नहीं है। आपके द्वारा फॉर्मेट जो है वो ऐसे ही लिखे जाएंगे, ठीक है। तो दूसरी बात कि उपसर्ग क्या हुए, किसी भी धातु शब्द के पहले जुड़कर उस शब्द में नयापन, विकार या रूपांतर उत्पन्न करने वाले शब्दों को उपसर्ग कहा जाता है। जैसे कि एक मूल धातु है हार, ठीक है, और एक मूल धातु है देश। हार का मतलब होता है फूलों या मोतियों या रुद्राक्ष की एक माला, या हम कह सकते हैं किसी विजय प्राप्त व्यक्ति से हमारी जब पराजय हो जाती है तो वो हार बन जाता है। एक बहुसंख्यक जनता के द्वारा जहाँ निवास किया जाता है वो देश के नाम से पुकारा जाता है। लेकिन अगर हम इसमें प्र आ उप वी या हम सम कर दें तो कहीं ना कहीं इस उपसर्गों के जुड़ने से उसमें एक नया परिवर्तन उत्पन्न होता है, कि प्रहार कह देने से अर्थ पूरी तरह से बदल जाता है कि आक्रमण करना हो जाता है। आहार कहकर वह भोजन बन जाता है, उपहार कहकर तोहफा बन जाता है, विहार कहकर घूमना हो जाता है, और संहार करके नाश करना हो जाता है। सेम सिचुएशन यदि हम प्र लगा दें देश में तो देश के टुकड़े हो जाते हैं, आ लगा दें तो आदेश बन जाता है, उप लगा दे तो उपदेश हो जाता है, वी लगा दे तो विदेश हो जाता है, सम लगा दे तो संदेश। और एक चीज ख्याल रखेंगे
प्री के लिए थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूँ कि कभी भी उपसर्ग का निर्माण केवल दो तत्व से होता है, या तो वो एक वर्ण का होगा, ठीक है ना, जैसे आ आ नी सु स कु वी प्र, ठीक है, कुछ उपसर्ग ऐसे होंगे जो दो शब्द के होंगे, जैसे कि आपका उप अधि अभि अव परि परा प्रति, ठीक है, लेकिन तीन वर्णों से बना हुआ उपसर्ग कभी भी नहीं होता। ये उपसर्ग संस्कृत के भी हो सकते हैं, ये उपसर्ग हिंदी के भी हो सकते हैं, और ये उपसर्ग उर्दू के अरबी फारसी का हो सकता है। संस्कृत के उपसर्ग को हम तत्सम उपसर्ग कह सकते हैं, हिंदी के उपसर्ग को हम तद्भव उपसर्ग कह सकते हैं, और उर्दू के उपसर्ग को हम विदेशज उपसर्ग की श्रेणी में रख सकते हैं। संख्याओं की बात करें तो संस्कृत में 22 प्रकार के उपसर्ग हैं, जिससे 19 उपसर्ग हिंदी में हम इस्तेमाल करते हैं। हिंदी के 10 उपसर्ग हैं और उर्दू के 12 उपसर्गों का इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरी बात कि यहाँ कुछ उपसर्ग हैं जो संधि की प्रक्रिया कर लेते हैं। संधि की प्रक्रिया मतलब कि यहाँ संधि हो जाती है जब वह धातु शब्द से जुड़ता है, ठीक है। ये सम निर निस दुर दुस अति कहता है, उत कहता है, तो ये जो उपसर्ग है उत व्यंजन संधि कर लेता है, अति यणस्वर संधि कर लेता है, सम ये व्यंजन संधि कर लेता है, ये जो चार है विसर्ग संधि से निर्मित है, ठीक है। बाकी जितने भी उपसर्ग हैं वो धातु में जुड़ते समय किसी प्रकार से संधि नहीं करता, परा परी प्रव। ऐसे तो देखा जाए तो उपसर्ग जो हैं वो अर्थ रहित होते, मीनिंगलेस होते हैं, इनका कोई मीनिंग नहीं होता, लेकिन अगर किसी शब्द के साथ जुड़ रहे हैं तो इसके अर्थ विशेष हो जाते हैं। जैसे परी का अर्थ हो जाता है चारों ओर, मतलब कि चारों ओर रवहन करता है, इसलिए बन जाता है हमारे लिए वो परिवहन। जैसे कि अभी मैंने बताया इन उपसर्गों का कोई भी अर्थ नहीं होता, लेकिन जब ये किसी धातु शब्द के साथ जुड़ते हैं तो इनके अर्थ जो है वो विशेष हो जाते हैं। जैसे कि परी, जो मैंने आपको बताया परी का मतलब होता है चारों ओर, इसलिए अगर वो वहन के साथ जुड़ता है तो चारों ओर वहन करके घूमता है, इसलिए बन जाता है परिवहन। इसी तरह हम जिसके चारों ओर क्रम से घूमते हैं तो परिक्रमा बन जाती है, जो चारों ओर फैलता है प्र, इसलिए प्रचार हो जाता है, विस्तार करता है इसलिए प्रसार हो जाता है, और जो भाव अपना पूरी तरह से फैलाता है इसलिए प्रभाव बन जाता है, विशेष है तो विज्ञान हो जाता है। कहीं ना कहीं यदि हम देखें तो नकारात्मक शब्द भी बना देता है। जन्म में अगर हम बात कर देते हैं जैसे कि एक विशेष प्रभाव वाले के लिए, तो अगर वो जन्म में विशेष प्रभावी तो आ लगाकर वो आज में बन जाता है, मरते दम तक है तो आमरण हो जाता है, लेकिन यदि गमन का विपरीत बनाना है तो आगमन बन जाता है। और इस तरह उपसर्ग किसी भी धातु शब्द के पहले जुड़कर उस शब्द में एक नयापन विकार या रूपांतर उत्पन्न करते हैं। अगली बात आती है यहां पर प्रत्यय की। प्रत्यय को हम कहीं ना कहीं परसर्ग के नाम से भी जानते हैं। प्रत्यय को परसर्ग कहा जाता है। पर का मतलब होता है बाद, ठीक है, और सर्ग का मतलब होता है निर्माण। किसी भी धातु शब्द के अंत में जुड़कर उस शब्द में एक नयापन एक विकार या रूपांतर उत्पन्न करने वाले शब्द को परसर्ग प्रत्यय कहा जाता है, जो सफिक्स कहलाता है, ठीक है। ये प्रत्यय तीन प्रकार के होते हैं, मुख्य तौर पर तो दो होते हैं, एक तीसरा जो लिया गया है। एक होता है कृत या कृदंत प्रत्यय, एक होता है कृत या कृदंत प्रत्यय जिसे हम कहते हैं प्राइमरी सफिक्स, और दूसरा होता है हमारे लिए तद्धित प्रत्यय जिसे हम कहते हैं नॉमिनल सफिक्स, ठीक है। और ये क्या होते हैं, कृदंत प्रत्यय जैसे हम कृत प्रत्यय का जो प्राइमरी सफिक्स है, किसी भी क्रिया के मूल धातु में जुड़ने वाला, किसी भी क्रिया के मूल धातु में जुड़ने वाला प्रत्यय कृत या कृदंत प्रत्यय कहलाता है। और ऐसे प्रत्यय शब्द जो किसी संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के शब्द में जुड़ते हैं,
ठीक है, तो वहाँ तद्धित प्रत्यय या नॉमिनल सफिक्स होता है। और एक चीज़ और कि ऐसा करके हम संज्ञा सर्वनाम विशेषण को शब्दों में प्रत्यय जोड़कर हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। इवन हम इसके यूज़ करके हम नॉमिनेटिव वर्ब मतलब कि हम नाम धातु क्रिया भी बना सकते हैं। ठीक है, तो क्रिया के मूल धातु में जुड़ने वाला प्रत्यय कृत या कृदंत प्राइमरी सफिक्स हुआ, और संज्ञा सर्वनाम विशेषण के मूल धातु को लेकर उसमें जुड़ने वाला प्रत्यय तद्धित प्रत्यय बनाता है। अब इससे क्वेश्चन कैसे आते कि कड़वाहट में प्रयुक्त प्रत्यय की पहचान कीजिए, आहट प्रत्यय से मिलकर बना हुआ शब्द कौन सा है, और कभी कभी अपोजिट जेंडर बनाने के लिए इन सब के अलावा हम एक ऐसा प्रत्यय इस्तेमाल करते हैं जो फेमिनाइन सफिक्स कहलाता है, मतलब कि स्त्री प्रत्यय। जैसे कह सकते हैं सूर्य का विलोम बनाने के लिए कौन से प्रत्यय की आवश्यकता होगी, आनी, आइन, इया, आ, है ना। तो सूर्य का विपरीत लिंग होता है सूर्या, इसलिए आ प्रत्यय वहां पर जुड़ेगा। ठीक है, जो मीन्स है उसमें स्पेशली कहता है कि दार और कार प्रत्यय के प्रयोग करके दो शब्द का निर्माण कीजिए। अब इस प्रत्यय शब्द की बात करें तो ये प्रत्यय कभी एक वर्ण के होते हैं, जैसे ती, ता, नी, आ, ठीक है, एक वर्ण का भी प्रत्यय होता है, दो वर्ण का भी होता है, जैसे कि वाला, कार, दार, आलू। ठीक है, ये प्रत्यय तीन भी होते हैं, जैसे कि आहट, आवट, ठीक है ना, अव्वल, ठीक है, लेकिन कभी कभी ये प्रत्यय चार भी हो जाते हैं, जैसे कि अक्कड़। ठीक है, कभी कभी देखा जाए तो इन्हीं उपसर्गों और की तरह प्रत्यय भी जुड़ने के बाद अपना रूप बदल लेते, क्योंकि मूल धातु की यदि हम बात करें, जैसे खेल मूल धातु है, लेकिन औना जुड़ा तो खेलौना नहीं बोलेंगे, हम खिलौना कहेंगे। भूगोल शब्द में एक जुड़कर भौगोलिक नहीं बनेगा, भौगोलिक बनेगा। इसी तरह जब वो प्रयोग कर रहा है एक ऐसा शब्द जहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है एक, धर्म में एक जुड़ा तो बन गया धार्मिक, और समाज में एक जुड़ा तो बन गया सामाजिक। ठीक है, तो इस तरह एक चीज ख्याल रखेंगे कि आप यहां देख पा रहे हैं कि कुछ प्रत्यय स्वर से शुरू हो रहे हैं, अव्वल, आवट, आहट, इल, उल, एला, आलू, आकू, आरू। ठीक है, इसी प्रकार हम कह सकते हैं औना, इसी प्रकार हम कह सकते हैं आवट, ये सारे आनी, अय्या, आइन, ये सारे प्रत्यय स्वर से शुरू हो रहे हैं। कुछ प्रत्यय जो व्यंजन से शुरू हो रहे हैं, जैसे कि वाला का, कार और दार, तो कुछ प्रत्यय जो शुरुआत करते हैं वो स्वर से होते हैं और कुछ प्रत्यय जो है वो व्यंजन से होते हैं। वे प्रत्यय जो व्यंजन से निर्मित होते हैं उनमें किसी प्रकार की कोई संधि नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, घर वाला, चाय वाला, बाटली वाला, दारू वाला कह सकते हैं, हकदार, सरदार, रुआबदार कह सकते हैं। ठीक है, और आलू कहते हैं तो अगर वो झगड़ा में आलू लगाया तो बन जाता है झगड़ालू, लेकिन चाल में आग लगा दे तो बन जाता है चालाक। और इस तरह देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि स्वर से निर्मित होने वाले जो प्रत्यय होते हैं वह संधि की प्रक्रिया कर लेते हैं, और व्यंजन से जो प्रत्यय होते हैं उसमें किसी प्रकार का इस्तेमाल परिवर्तन नहीं होता। आपके पेपर में एक क्वेश्चन दिया है, निम्न उपसर्ग तथा प्रत्यय से दो दो शब्द बनाइए। एक दिया है उपसर्ग, जिसमें दिया है अन उपसर्ग से, और दिया है आपका बद उपसर्ग से। ठीक है, दो दो शब्द बनाना है तो हम यहाँ पर अनजान कह सकते हैं या हम कह सकते हैं अनमोल। ठीक है, और बद कहता है तो बद तमीज कह सकते हैं, और इसी प्रकार बदमाश कह सकते हैं या बदनाम कह सकते हैं। लेकिन अगर वो प्रत्यय की बात कर रहा है जो अंत में जुड़ता है, तो यहाँ दो प्रत्यय दिया है, गार और बाज। ठीक है, ये दोनों विदेशज उप प्रत्यय हैं, संस्कृत की तरह यहाँ भी संस्कृत, हिंदी और विदेशज प्रत्यय भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो गार कहता है तो हम कह सकते हैं मददगार, हम कह सकते हैं तलबगार। ठीक है, और इसी प्रकार बाज कहता है तो हम दगाबाज या हम कह सकते हैं चालबाज। ठीक है, और इस तरह उपसर्ग प्रत्यय से पूछे गए प्रश्न के जवाब ये होंगे।
मेरे द्वारा आपको जो 8 तारीख को प्रश्न पत्र दिया गया था उसका एक विशेष तौर पर आपके लिए बनाया गया वीडियो है, जिसमें मैंने सारे टॉपिक को बहुत अच्छे से डील किया है। लेकिन इसके अलावा अगर आप इसे बहुत अच्छे से और जानना चाहते हैं, उदाहरण के द्वारा इसको समझना चाहते हैं, तो हमारे मोबाइल कोर्स से ज़रूर जुड़े और हमारे वीडियोस को बहुत अच्छे से अपने लिए इस्तेमाल करें। अगले आने वाले सेक्शन में हिंदी भाषा से संबंधित जो और पाठ्यक्रम हैं उसकी चर्चा की जाएगी। तब तक हमारे डिस्कशन कम्युनिटी के साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल माय बच्चा। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।